हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आखिरकार सही जो है वो गलत कदम क्यों उठाने वाली है और अपने जीवन को समाप्त करने जैसा काम क्यों करने वाली है। आखिरकार काकू निनाद ओमी ये घर वाले सुधरेंगे कब, और इसी के साथ ही ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, बहुत दिनों से एक सवाल तो लगातार मेरे पास आ रहा था कि आखिरकार सही ऐसा गलत कदम अपने जीवन को खत्म करने जैसा कदम क्यों उठाने वाली है। रजत भाई बताइए कि आखिरकार इसका क्या कारण होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या कारण होने वाला है एंड आखिरकार घर वाले कैसे सुधरने वाले हैं, और इसी के साथ ही एक सवाल वो जो कि सबके मन में हमेशा रहता है कि ये सम्राट आएगा कब। इतना टाइम हो गया है सम्राट आ ही नहीं रहा है। अब दोस्तों, मैंने तो आपको लंबे टाइम पहले ही बता दिया था कि सम्राट आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सीरियल तो उस स्पीड से भी बहुत स्लो चल रहा है और बेचारा सम्राट अभी तक नहीं लौट पाया है सीरियल में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार घर वाले कब सुधरने वाले हैं और सही जो है वो गलत कदम क्यों उठाएगी। सबसे पहले ही दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को, इन सीन को आने में जो है बहुत लंबा वक्त अभी लगने वाला है। यानी कि 2 से 3 महीने भी इन सब चीज़ों को, इससे ज़्यादा भी आपको लग सकते हैं, क्योंकि सीरियल की स्टोरी बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है। तो ये कहीं पर भी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि सीरियल अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि अब आने वाली स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर कि देवयानी के बच्चों का सच जो है सही बाहर निकालना चाहती है। और ये बच्चों का सच दोस्तों केवल छोटा सा सच नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1 महीना तो आपको ये सब कुछ चीज़ें ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा शख्स जो कि सीरियल से फिलहाल गायब है वो भी लौट कर आने वाला है। दोस्तों बता दूँ कि दिव्यानी के बच्चों का सच बहुत लंबा खींचा जाने वाला है एंड उसके बाद जो है काफ़ी सारे घर की लड़ाइयाँ, किस्से, कहानियाँ चलने वाली है। और ऐसे में 2 से 3 महीने बाद आपको वो सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर फाइनल एक घर वाले जो है सही का बड़प्पन और घर को लेकर उसका समर्पण देखकर जो है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा नर्म हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो काकू है, यानी कि जो वहीनी है, वो भी समझ जाएगी कि ये जो लड़की है जिसे मैं जंगली मुर्गी पुकारती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ घर को लेकर ही सीरियस है, और वह सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बेटी यानी देवयानी का ही भला चाहती थी हमेशा, और उसने हमेशा भला ही किया है। और इसी के साथ ही दोस्तों, शिवानी मौसी का एक बार फिर से एक चक्कर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहले अमय की स्टोरी सामने आई थी, वैसा ही कुछ आपको फिर से भी देखने को मिल सकता है। एंड इन सब चीज़ों के बाद जो है फाइनली घर वालों का जो व्यवहार है सही के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्म पड़ जाने वाला है एंड वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करने लगेंगे एंड उसे जो है मान सम्मान भी देने लगेंगे। ऐसे में दोस्तों, निनाद और ओमी भी सई के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता करेंगे, क्योंकि वहीनी ने उसे स्वीकार कर लिया है घर की बहू के रूप में, तो वो दोनों कैसे इनकार कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ काकू की सुनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इन सब चीज़ों के बीच में जो है पत्र लेखा के दिल में जो आग बहक रही है, धधक रही है, वो बहुत बड़ी आग में बदल जाने वाली है। दोस्तों बता दूं कि जहां पर अब तक तो वहीनी का, ओमी का, निनाद का, इनका सपोर्ट पाकी दीदी को मिल रखा है, और काफ़ी हटकर वो एडवांटेज भी इन सब चीज़ों को लेती है। सही को जब मन होता है ताना मारती है, जब मन होता है वो लड़ाई करती है। लेकिन जब वो देखेंगे कि यार मेरे साथी जो हैं, मेरे जो युद्ध के सैनिक थे, जो मेरे महारथी योद्धा थे, वहीनी, काकू, निनाद, ये भी अब सही के साथ होने वाले हैं, तो मेरा तो पत्ता साफ हो जाएगा, और विराट तो वैसे भी मेरी नहीं सुनता है। ऐसे में दोस्तों, ये सही जो एक गलत कदम उठाने वाली है, इसका पूरा श्रेय जो है पाकी दीदी को जाने वाला है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि पत्र लेखा इतना कुछ कर चुकी है और अब ये भी। जी हाँ दोस्तों, ये भी। दोस्तों बता दूं कि सई की कॉलेज लाइफ भी इसके साथ ही चलने वाली है, जहाँ पर कॉलेज से सई का एक दोस्त जो है वो घर पर आने वाला है, यानी कि चौहान निवास में आने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों, जब वो दोस्त वहाँ पर आता है सई का, अब वो अनिकेत दिखाते हैं या फिर कोई और, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस सीन को आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों, जब वो घर पर आएगा दोस्तों, तो बाकी घर वाले तो वहाँ पर होंगे नहीं, कुछ ना कुछ कामों में लगे रहेंगे, लेकिन पत्र लेखा दीदी जो है वो बहुत ही शातिर और दिमागदार हैं। वो उस लड़के को कहेगी कि तुम नोटबुक लौटाने आए हो ना, तो यहाँ क्या खड़े हो, उसके कमरे में जाओ। और ऐसे में दोस्तों, कॉलेज से आए एक अनजान लड़के को वो सीधे ही सई के कमरे में भेज देने वाली है, क्योंकि पत्र लेखा को ये पता होगा कि सारा टाइम जो है वे विराट के लौटने का है और घर वाले भी जल्द ही वहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, पत्र लेखा ने मौके पर चौका मार दिया और सीधे ही उस लड़के को जो है उस सई के कमरे में भेज दिया,
जहां पर विराट भी ऑफिस से लौटेगा तो पत्र रेखा सीधे उससे भी उसके कमरे में भेज देगी। एंड जब उस लड़के को और सई को विराट देखेगा वहां पर बात करते हुए सई के कमरे में, तो उन दोनों के बीच में काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आ जाने वाली है, जिसके बाद दोनों के बीच में गलतफहमियां जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आएंगे विराट और सई आपको। जी हाँ दोस्तों, बता दूं ये बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है सीरियल में, क्योंकि इतने दिन से पत्रलेखा जो है बहुत टांगे अड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी को कैसे आग में बदल दिया पत्रलेखा ने वो आप समझ ही सकते हैं कि कॉलेज का लड़का घर पर ही आया था, उसे किस तरीके से कमरे में भेजा एंड सई के ऊपर आरोप भी लगा दिया। ऐसे में दोस्तों दोनों के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो सभी घर वाले जो हैं वो भी चिंता में होंगे कि एक बार फिर से सई और विराट के बीच में काफ़ी कुछ गलतफहमियां आ गई है और एक बार फिर से उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। ऐसे में दोस्तों जो सई को चाहने वाले हैं, जो विराट को चाहने वाले हैं, विराट को तो खैर पूरा घर ही चाहता है, उनकी चिंता बढ़ जाएगी और वो लोग जो है विराट को और सई को उनके रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ये कोशिश जो है काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है सई के ऊपर, क्योंकि सई जो है इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि जो विराट सर हैं जो मेरे पे इतना भरोसा करते हैं और उस समय तक वो लोग क्लोज भी आ चुके होंगे थोड़ा, तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा कि ये मुझे गलत कैसे समझ सकते हैं। और ऐसे में सई जो है कुछ लिक्विड जो है वो पी जाने वाली है जो कि उसके जान पर बन आएगा। ऐसे में दोस्तों सई जो है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का एक गलत फैसला ले लेगी, जिसके बाद जो है सभी घर वालों की हवाइयाँ उड़ जाने वाली हैं, क्योंकि कमरे में से ज़ोरदार आवाज़ आएगी सई की गिरने की और भवानी काकू से लेकर निनाद ओमी सभी घर वाले जो हैं सई की तरफ भागने वाले हैं कि बेटा गेट खोल के हुआ क्या है। लेकिन ऐसे में दोस्तों सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा, सही वो गलत कदम उठा चुकी होगी और जब तक विराट वहां पर पहुंचेगा सही को आवाज देते हुए सही वो गलत कदम उठा चुकी होगी और उसे इमीडिएटली ले जाना होगा अस्पताल में। और ऐसे में दोस्तों वहां पर सही के फिर से रिकवर होने में टाइम लगने वाला है, क्योंकि सई ने वो केमिकल पी लिया था जो भी वो पॉइजन वगैरह जो कुछ है, और उससे उसके हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसे में दोस्तों ये सीन आपको देखने को मिलेगा और ये जो सवाल आप लोग पूछ रहे थे इतने दिन से कि आखिरकार सई ये गलत कदम क्यों उठाने वाली है, तो आई थिंक वो सवाल भी आप समझ गए होंगे और घर वाले भी जो हैं वो सुधर जाने वाले हैं। अब सवाल आता है कि आखिरकार भाई ये सम्राट कब लौटने वाला है, इस सम्राट ने तो परेशान कर दिया, इतने सारे फैन सम्राट के यहाँ पर बैठे हैं और इंतजार करे जा रहे हैं लेकिन सम्राट तो आने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में दोस्तों सम्राट जो है वो भी आप सभी के लिए इन सब चीज़ों के बाद ही लौटने वाला है, क्योंकि जब आप सभी को पता है कि विराट का दिमाग जब भी काम करता है जब सई के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और एक बार फिर से वो उसे मनाने की कोशिश करता है, इन दोनों के रिश्ते में जो है सुधार आने लगता है और इसी के बाद ही सई और विराट जो है वो करीब आने वाले हैं। और इससे पहले आपको एक बर्थडे का सीन भी देखने को मिलेगा जहां पर घर वाले जो हैं यानी कि काकू वहिनी निनाद जो हैं वो लोग सई को बर्थडे पार्टी देने वाले हैं। हैरान हो गए ना आप सभी, क्योंकि वो लोग तो उसके कट्टर दुश्मन हैं लेकिन उस समय तक काफ़ी रिश्तों में सुधार आएगा। अब ये रिश्तों में सुधार किस कारण आता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। और उसके बाद जाकर दोस्तों कहीं आपको जब सई और विराट घूमने जाएंगे तो वहाँ पर सम्राट की एंट्री आपको देखने को मिलेगी एंड सम्राट को भी वापस लाने का पूरा श्रेय जो है सई ही ले जाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों सीरियल की स्टोरी जो है वो फिलहाल बहुत लंबी चलने वाली है। ये सवाल आपका लगातार आ रहा था तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूं और आपको बता दूं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे होने वाला है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट सारी मैं यहां पर आपको देता रहता हूं। कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।